झुंझुनू से इसी बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बोहाना के सहड़ गांव में ज्वेलर को गोली मार दी गई। तो ज्वेलर को गोली मारने का मामला सामने आया है। ज्वेलर राहुल सोनी को बदमाशों ने गोली मारी है। बाइक सवार दो बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया और गोली लगने से ज्वेलर राहुल सोनी घायल बताया जा रहा है। घायल ज्वेलर को जयपुर रेफर किया गया है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना के बाद से जिले भर में नाकाबंदी करवाई गई है। 1:30 बजे के आसपास मेरे बेटे का फोन आया। मैं नालो था, कोई काम से गया हुआ था कि पापा जी गोली मार दी किसी ने, आप जल्दी आ जाओ। 1:30 बजे के आसपास की वो सर को तो इतनी तो पता नहीं पाया। उसने कही है कि पहले फोन आया था कि मेरे को 30 लाख रुपए दो नहीं तो गोली मार देगा। वो लगभग 15-20 मिनट पहले, आधे घंटे पहले लगभग, कोई पूरे नहीं पता, पर आधे घंटा मान लो मोटी सी बात। अब वो जयपुर रेफर कर रखा है, अब देखो है तो ठीक, भगवान। और चलिए इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुजीत शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुजीत, ज्वेलर को गोली मारने की ये पूरी घटना है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, फिलहाल कहां तक तहकीकात पहुंची है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि बोहाना के सहड़ गांव के अंदर ज्वेलर व्यापारी को गोली मारी है। ज्वेलर व्यापारी है राहुल सोनी, उनको बदमाशों ने गोली मारी है और बाइक पर सवार होकर आए दो बदमाशों ने फायरिंग की है। फायरिंग के बाद ज्वेलर व्यापारी राहुल सोनी है वो घायल हो गया है। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया है, वहीं उनकी हालत है वो अभी गंभीर बनी हुई है। लेकिन खास बात यह है कि जो पुलिस की जो नाकामी है वो इसमें साफ जाहिर हो रही है कि एक सप्ताह का समय नहीं मिला, एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ये फायरिंग की वारदात हुई है। एक सप्ताह के दरमियान सिंगाना के अंदर भी ज्वेलर के बाहर दुकान पर सरेआम पहले फिरौती के लिए फोन मैसेज आता है और उसके बाद ज्वेलरी की दुकान के बाहर फायरिंग की जाती है और वहीं सप्ताह भर के अंदर यह दूसरी वारदात हुई जिसके अंदर ज्वेलरी व्यापारी को आधे घंटे पहले फोन आया था 30 लाख रुपए की जानकारी देने के लिए और उन्होंने पैसे देने की, करीब आधे घंटे बाद ही ज्वेलरी व्यापारी पर फायरिंग कर दी गई और वो गंभीर घायल है, उसका जयपुर में इलाज जारी है। जी जी सुजीत, बदमाशों की धरपकड़ के लिए क्या कुछ प्रयास अब पुलिस की ओर से किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि बदमाशों की धरपकड़ के लिए पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पूरे जिले भर में पुलिस द्वारा नाकाबंदी भी की गई है और वहीं अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि ये जो वारदात करने के बाद जो बदमाश है वो हरियाणा की तरफ भाग गया है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि बॉर्डर से सटा इलाका होने के बाद भी पुलिस है उनका रवैया है वो लगातार ढीला नजर आ रहा है, क्योंकि एक सप्ताह के अंदर ये फायरिंग की घटना है, दूसरी घटना हुई है। जी जी शुक्रिया सुजीत इस तमाम जानकारी के लिए। तो ज्वेलर राहुल सोनी को बदमाशों ने गोली मारी है, फिलहाल उनकी हालत गंभीर है और उन्हें जयपुर रेफर किया गया है।